घंटी बजते ही सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे। तभी अंजलि नाम की एक स्टूडेंट अंकिता नाम के स्टूडेंट का रास्ता रोक दी और क्लास का दरवाजा बंद करने लगी। अंजलि, मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ में बहुत सारा रजिस्टर है, मैम ने मुझे संभाल कर उन्हें टेबल पर रखने को कहा है। अरे खोल दो ना अंजलि, क्यों उस बेचारी को तंग कर रही हो? ऐसे कैसे खोल दें? कल टेस्ट में जब मैंने इससे बोला मुझे चीटिंग करनी है, मेरे बैग से किताब निकाल कर दे दे, ये मेरे बैग के बराबर में ही बैठी थी। मैम को पता भी नहीं चलता, ये मुझे चुपचाप किताब दे सकती थी पर इसने नहीं दिया। अंजलि, नकल करना बुरी बात होती है, इसलिए मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की, पर अभी जो ये तुम कर रही हो ये तो गलत है ना? मैं कितनी देर से मैम की रजिस्टर पकड़ कर खड़ी हूँ, मेरे हाथ दुख रहे हैं, दरवाजा खोल दो ना। क्या बात है अंकिता, अभी तक तुम मेरा रजिस्टर रख कर सीट पर क्यों नहीं बैठी हो? अरे यह तो टीचर जी की आवाज है, जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। अंकिता टीचर की आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में सारा रजिस्टर जमीन पर गिरा देती है। इतने देर में अंजलि भी दरवाजा खोल देती है। वह टीचर जी बताए ना, अंजलि ना, मैम मैं तो बहुत देर से बोल रही थी रजिस्टर आपकी टेबल पर रखने को, पर ये है ना कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैम मैं अभी आपकी सारी रजिस्टर उठाकर रख देती हूँ। अंकिता एक गरीब दिहाड़े मजदूर की बेटी थी। गांव में उसके पिता बहुत ही गरीब थे, जबकि अंजलि के पिता गांव के बड़े सेठ थे। इसलिए अंजलि को अपने पैसे पे घमंड था और वो अंकिता को बहुत गरीब समझती थी। अंकिता को जब उसके टीचर ने डांटी तो वो उदास हो गई, पर कुछ देर बाद अंकिता के टीचर ने जो बात कही उसे सुनकर अंकिता के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। बच्चों, वार्षिक स्कूल मेहंदी प्रतियोगिता होने वाली है, जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना अपना नाम लिखवा दें। मैम मेरा नाम लिख लीजिए। मैडम मेरा नाम भी लिख लीजिएगा। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने अपना अपना नाम लिखवाया, जिसमें अंकिता भी थी। अंकिता को मेहंदी लगाने का हुनर अपने दादी से विरासत में मिला था। उसके हाथ में एक अनोखा उपहार था, एक जादू जो सिद्धार्थ मेहंदी को भी लुभाने में जटिल डिजाइन में बदल सकती थी। अंकिता चाहती थी कि वो मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले, इसलिए अंकिता ने भी अपना नाम लिखवा लिया। अपनी उम्मीद मत बढ़ा, ये प्रतियोगिता तू नहीं जीतेगी, मैं जीतूंगी, तू बेकार में ही अपना नाम लिखवा रही है। अंजलि अभी तो प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई है, फिर तुम इसका निर्णय कैसे ले सकती हो? पहले प्रतियोगिता शुरू तो होने दो। अंकिता घर आकर अपने माँ से इस बारे में बात कही, पर वो थोड़ा उदास थी। अंकिता देखो बेटा, तुम अपना मन उदास मत करो, जितना यह हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपना सर्वश्रेष्ठ देना समझी। तुम्हारे पास बहुत अच्छी कला है जो तुम्हारी दादी के सिखाई हुनर को पहचान देगी, और मैं जानती हूँ तुम अपना सर्वश्रेष्ठ इस प्रतियोगिता में दोगी और किसी की बातों को सुनकर अपना मन खराब नहीं करोगी। ठीक है माँ, अब मैं इस प्रतियोगिता में पूरे मन से भाग लूंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अंकिता भी सभी स्टूडेंट के साथ वार्षिक प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। ये उसके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं था, ये चमकने का मौका भी था, खास करके अपने प्रतिबंधित अंजलि के खिलाफ जो स्कूल की सबसे अमीर लड़की थी। प्रिय छात्रों याद रखिए, ये मेहंदी प्रतियोगिता जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये अपनी प्रतिभा दिखाने के बारे में है। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी सर्वश्रेष्ठ मेहंदी डिजाइन प्रस्तुत करें। प्रतियोगिता शुरू की जाए। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई वैसे ही विद्यार्थियों ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ धीरे धीरे डिजाइन से भरने लगे। सभी बच्चे अपने अपने पार्टनर को मेहंदी लगाने लगे, पर कोई भी स्टूडेंट अंकिता से मेहंदी नहीं लगवा रहा था। अंकिता एक बार फिर उदास हो गई। अरे देखो देखो, इस गरीब मजदूर को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा है। ये कैसा मजाक है अंजलि, तुम अपने साथ की स्टूडेंट का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? मैंने पहले भी तुम्हें कई बार देखा है कि तुम अंकिता को बहुत तंग करती हो। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मुझे इस बारे में प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। पूर्विका बेटा इधर आओ, तुम अंकिता से मेहंदी लगवाओ। बेटा जी मैडम जी, अभी मैं लगवाती हूँ। मेहंदी प्रतियोगिता घंटों तक चलती रही। सब अपने अपनी मेहंदी लगा चुकी थीं, पर अचानक अंजलि रोने लगी। उसकी सहेली ने लगी लगाई मेहंदी को खराब कर दिया। असल में जैसे ही अंजलि ने अपनी मेहंदी पूरी की, स्टूडेंट का हाथ मेज पर लगकर गलती से उसका डिजाइन बिखर गई। सर बच्चों की मेहंदी देखने के लिए स्टेज से उतर चुके थे, वो एक एक बच्चों के पास जाकर मेहंदी देख रहे थे। अंजलि घबरा रही थी। सॉरी अंजलि, पता नहीं मेरा हाथ कैसे हिल गया। अब तुम ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाओगी, सभी जज और प्रिंसिपल मैम स्टेज से नीचे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? अंकिता रो मत, मैं पूजा की मेहंदी ठीक कर दूंगी। पूजा अपना हाथ लाओ। अंकिता तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो हमेशा तुमसे लड़ती हूँ, तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, और फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। माँ कहती है हमें सदैव मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं पूजा की मेहंदी ठीक कर रही हूँ ताकि तुम भी यह प्रतियोगिता जीत सको।
अंकिता थोड़ी ही देर में अंजलि की मेहंदी ठीक कर देती है। अब ये लग ही नहीं रहा था कि उसकी मेहंदी कहीं से बिगड़ी है। अब तक प्रिंसिपल मैम और जज ये सब देख चुके थे, उस समय वो कुछ नहीं बोलते हैं। सबकी मेहंदी देखकर प्रिंसिपल मैम और जज स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं, पर मन ही मन सब यही सोच रहे थे कि अंकिता कितनी अच्छी बच्ची है जो उसने अंजलि की मुसीबत में सहायता की। अंकिता ने तो मेरी मेहंदी बिल्कुल ठीक कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं प्रतियोगिता में कोई भी स्थान प्राप्त कर पाऊंगी। मेहंदी प्रतियोगिता की प्रथम विजेता है छठी कक्षा की अंकिता सिंह। पहला पुरस्कार अंकिता सिंह को जाता है और दूसरा पुरस्कार चेतना को जाता है। देखो पूजा, मैं कहती थी ना कि मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। तीसरा पुरस्कार, एक सेकंड, मुझे लगता है कि एक नाम और है बच्चों। यहाँ प्रथम पुरस्कार दो निकला है क्योंकि अंकिता सिंह के साथ साथ अंजलि ठाकुर की लगाई हुई मेहंदी भी बहुत सुंदर है। एक बार जोरदार तालियों से मेहंदी प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को सम्मानित किया जाए और तीसरा पुरस्कार आंचल को दिया जाता है। अंकिता सिंह, अंजलि ठाकुर, चेतना और आंचल, यह सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। अंजलि ने जब सुना कि वो भी अंकिता के साथ प्रथम आई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरा हाल तालियों से भर गया। अंकिता ने ये साबित कर दिया कि दौलत और रुतबे का प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार मिलने के बाद अंजलि को गले से लगा लिया। अंकिता, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी हो। आज तुमने अंजलि की मदद की, उसे अपने साथ साथ प्रथम पुरस्कार की विजेता भी बनवा। ये बात हम भी जानते थे और स्कूल की प्रिंसिपल मैम और जज भी अंजलि सुंदर मेहंदी लगाती है, पर पूजा की बिगड़ी हुई मेहंदी के बाद शायद ही उसे कोई पुरस्कार मिल पाता। अगर अंकित तुम मदद ना करती तो ये बात अच्छे से अंजलि भी जानती है। क्यों अंजलि? मैम, मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी अंकिता से नफरत नहीं करूँगी। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बनकर रहेंगे। मुझे माफ कर दो अंकिता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार की। अंकिता और अंजलि दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर पुरस्कार लेकर जाती हैं। उस दिन के बाद कभी भी अंजलि ने अंकिता के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो दोनों अब अच्छी दोस्त बन गई थीं।